स्टार्टिंग से मैथ स्टार्ट करी थी जिसमें पहला चैप्टर था एंगर एंड टी रेशियो का, जिसमें से एक लेक्चर आज डे पे 21 मई को हुआ है, जिसमें एंगल्स की सारी प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट जो भी था वो डिस्कस हुआ है। उसमें से आपको 1 to 26 तक क्वेश्चन लगाने थे, 1 से 26 तक आपको क्वेश्चन लगाने थे। उसमें बच्चों को कुछ डाउट्स आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, पहला डाउट जो आया है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्ड इन डिग्रीज आर एपी, द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इज द ग्रेटेस्ट एज 40:5। यानी कि द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट, जो ग्रेड्स में है वो आपका लीस्ट एंगल है 60 - d / 60 + d बोला जाए तो आपके एंगल्स 60 - d 60 + d होते हैं। कैसे होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये आपका स्मॉलेस्ट एंगल होता है और ये आपका ग्रेटेस्ट एंगल होता है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है, बाकायदे को भी बताइए कैसे होता है, इसी का यूज करेंगे। यहां पे आपसे बोला गया है स्मॉलेस्ट इन ग्रेड्स, ग्रेटेस्ट इन रेडियन, दोनों का रेशियो दिया गया है 40:5। अब हम क्या करेंगे कि अब आपका ग्रेड ग्रेड और रेडियन का आपको मैथ्स का बेसिक पढ़ना पता है कि कभी भी कैलकुलेशन करते समय यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, मात्रक जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब आप मीटर में सेंटीमीटर से भाग नहीं कर सकते, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते और ना ही एड ना ही सब्ट्रैक्ट, जब तक सेम यूनिट में ना बन जाए। तो इसके लिए आपको चाहिए इसको सेम यूनिट में बना, इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन आपको भी मैंने लास्ट क्लास बताया था, d/90 = z/100 = 2r/π। ठीक है बेटा, अब आपको यहां पर जो रिलेशन देखना है ग्रेड और रेडियन का देखना है, तो यहां पर आपका आ जाएगा g = 200 r/π। ठीक है, तो यहां हम ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 60 - g (200r/π = 40/π, पाई से पाई कट गया, रेडियन में दोनों था रेशियो है, कट जाएगा 45 - 200, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे 300 - 5d = 60 + d। अब आप देखेंगे 5d आपका इधर का 60 हो जाएगा, ये 6300 में सबट्रैक्ट होके 240 हो जाएगा, d = 6 से डिवाइड कर देंगे 6 * 4 = 24, तो ये आपका 40° आ गया। अब लड़का क्या करता है, तुरंत आंसर देख लेता है कि आंसर हमारा कहां आ गया। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट एंगल, क्या पूछा गया बेटा स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 60 - d, d की वैल्यू क्या निकली है 40, ये आपका 20। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत, कहां तक आपको दिखा 60 - d 60 - 40, अभी क्लियर है, क्लियर है, दिख रहा है हमारे पास सारा कुछ जी। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल 20° आ गया, जो कि आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपका 15°, 18°, 20° एंड 25°, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा सी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सही से राइट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को, कोई भी प्रॉब्लम आती कोई भी बात नहीं समझ में आती। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर, कोई भी आपको डाउट ना रहे इस तरीके से मैं पढ़ाऊँ। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एक तरीके के हैं कि आप सॉल्व करें। इसके बाद जो आपके कुछ डाउट आए हैं वो क्वेश्चन नंबर 18 है, नेक्स्ट डाउट जो है
हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो नेक्स्ट डाउट आया है बच्चों को वो 18 है। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू हाफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल द एंगल ऑफ द सेक्टर इज द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल। तो आप लोगों को पता है कि सर्किल के एक सेक्टर, सेक्टर मतलब एक भाग होता है, भाग में क्या क्या आता है आपको पता है, दो रेडियस आती है, एक आर्क लेंथ आती है, ठीक है बेटा। तो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, पेरीमीटर ओ ए बी का पेरीमीटर क्या होगा, आर प्लस एस। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, पेरीमीटर मतलब परिमाण, परिमाण मतलब चारों ओर की माप। तो एडिशन ऑफ सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल साइड्स, आपका पेरीमीटर होगा इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सर्कमफेरेंस सर्किल का क्या होता है, 2 पाई आर, 2 से 2 कट गया। अब आपको निकालना क्या था बेटा, एंगल निकालना था, क्या निकालना था, एंगल। तो यहां से आपको, और आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या होगा, एस अपॉन आर, ठीक है। अब यहां से आपका हो गया एस इक्वल टू ये पाई आर, 2 आर उधर जाएगा, आर कॉमन आएगा, पाई माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर है। आर आप इधर ले आएंगे तो एस अपॉन आर इक्वल टू पाई माइनस 2 हुआ, और एस अपॉन आर आपने देखा है कि किसके बराबर होता है, थीटा के। तो एस अपॉन आर के लिए थीटा लिखते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे कि पाई माइनस 2 सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो आप देख पा रहे हो, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द रेडियस ऑफ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्किल, ये क्वेश्चन बेटा आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, एनडीए में पूछा गया, दो बार पूछा जा चुका है अब तक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बस इसमें थोड़ी सी वैल्यू के चेंजेस रहे हैं, 30 की जगह 60 रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 एंडिंग तक डिस्कस हो गए, 18 वाला डाउट आया था और 19 है। अगर किसी को और कोई भी डाउट हो और व्हाट्सएप ना कर पाया हो मेरे को, या ना बताया बता पाया हो, तो मेरे को व्हाट्सएप कर दे या कमेंट्स कर देगा, जब लाइव मैं आऊंगा तो मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है बेटा, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में भी आया है। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर, द वेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्किल हुज कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर। कॉर्ड की जो वेंथ दी गई है वो 30 सेंटीमीटर और रेडियस, ये आपकी कॉर्ड, कॉर्ड आप समझते हैं जिसको जीवा बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी 30 सेंटीमीटर की है, रेडियस आपकी 30 सेंटीमीटर है, एंगल आपसे पूछा गया है, आपको पता है कि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में आपको पता है कि अगर आपको आर्क लेंथ निकालनी है, सॉरी थीटा निकालना तो आर्क लेंथ, और आपको आर्क लेंथ निकालनी है तो आपको थीटा और रेडियस दो चीजें पता होनी चाहिए, बट आपको थीटा भी नहीं पता, आर्क लेंथ भी नहीं पता, यानी कि एक इक्वेशन दो अनुपुर, ठीक है बेटा। तो यही पे एक पॉइंट है कि एंगल आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, बट गिवेन एंगल, वो कैसे, क्योंकि आपने देखा कि ये 30 ये 30 ये 30 ये ट्रायंगल बन गया और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल बन गया, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो थीटा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे थीटा आपका रेडियन के फॉर्म में पाई बाई 3 हो गया, कैसे पाई बाई 3 हो गया, ये कल लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आर्क लेंथ आपको निकालनी है, रेडियस आपकी कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, तो यहाँ पे आर्क लेंथ हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू 30, ये
आपको पता होना चाहिए था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन का होता है 20। ये मोस्टली बच्चों के डाउट्स रहते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर किसी का छूट जाता है तो वीडियो का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप उसे रिवर्स करके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। कह रहा है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 120 सेंटीमीटर द एंड ऑफ सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इज। अ सर्कुलर वायर ऑफ 15 सेंटीमीटर रेडियस, एक सर्कुलर वायर है बेटा 15 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर वायर है जिसे कट बेंड लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप। आपको बेटा इसका एक वायर है 15 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर वायर है, ये छोटी रेडियस है, ये आपका 120 सेंटीमीटर का है, तो ये बड़ा हूप मतलब एक दीवार को जैसे बड़ा सा छेद कर दिया जाए तो 120 सेंटीमीटर का है, तो ये बड़ा सा छेद करेगा, डिटेल पे छोटा बनेगा। इसको कट करेंगे, बेंड करेंगे, लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप, काटा पकाया और मिटा दिया दूसरे वाले सर्कल पे, तो ये इस सर्कमफेरेंस में वायर, ये छोटा वायर बनेगा, तो ये इसके सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि पर कहां तक आएगा, मान लिया यहां से यहां तक आता है ये वायर, तो ये जो सर्कम, ये जो आर्क लेंथ होगी ये इसके वायर के लेंथ के बराबर होगी और वायर की लेंथ सर्कमफेरेंस के इक्वल होती है। तो सर्कमफेरेंस आपका यानी कि परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई, आर की वैल्यू 15 दी हुई है, ये 30 पाई सेंटीमीटर, ये आपका सर्कमफेरेंस सर्कुलर वायर की लेंथ हो गई। यही सर्कुलर वायर ही ये 120 सेंटीमीटर हूप का आर्क लेंथ होगा, तो ये कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। और ये थीटा आपको फाइंड आउट करना है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन सॉरी 30 पाई, 30 पाई सेंटीमीटर निकला है ना, 30 पाई, तो आर्क लेंथ आपकी हो गई 30 पाई अपॉन रेडियस क्या हो गई 120, 30 से 120 कटा 4, तो ये आपका थीटा इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 4 रेडियन। आपको पता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में कौन सा फॉर्मूला लगाया है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है बेटा, इसमें एंगल की वैल्यू रेडियन में लेती है पाई बाई 4 रेडियन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन अथवा 45 डिग्री, डिग्री 45 रेडियन में पाई बाई 4, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी दीजिएगा, 20 में 18 में सबसे ज्यादा पूछा गया 19, ध्यान रखिए इस पर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट आया 21 है, 23 है, 24 है, 25 है, ये तीन क्वेश्चन डाउट में आए हैं, तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, देखते रहिए, कोई डाउट हो कमेंट्स करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो भी किलोमीटर पर आर है, किसकी
एम का ट्रेन ली है, ये क्या हुई स्पीड हो गई, स्पीड दे दिया गया और टाइम आपको दे दिया गया 11 सेकेंड। यहां से आप डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है सेकेंड में, तो किलोमीटर का पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में बनाना पड़ेगा, जिसमें 5 मीटर से मल्टीप्लाई करा देंगे इनटू 11 सेकेंड, 18.95। किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो 1000 मीटर, 1 घंटे को सेकंड में लिखेंगे 3600 सेकंड। जब इसको काटेंगे मतलब समझो युद्ध क्षेत्र में नहीं, डिवाइड करेंगे, हाँ, तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो अभी समझ में आ रहा होगा कि कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5.18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 275 मीटर आया, जो कि डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कहां से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपकी आर्क लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? आर्क लेंथ। और इसके बाद काम मैथ्स, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और आपको सारी चीजें पता है। आर्क लेंथ कितनी है? 275। ये कितना है? 1500। 25 एकम 25, 25 छक्का 150, 11/7। आप 4 अक्षर में नजर डाल के देखेंगे तो डिग्री और मिनट में आ रहा है, किसमें आ रहे हैं? डिग्री और मिनट में। ये किसमें आएगा? रेडियन में। कल मैंने पांचवी का विकते समय आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऑलवेज इन रेडियन। अब इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देन किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 180/π, पाई बोले तो 22/7, 11 × 22, 60 × 180, 21/2, और इसका कैलकुलेशन तो आप लोगों को पता है, 10.5, 10.5 10.5 × 10 degree, 30 minutes। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 10 degree 30 minutes, सी ऑप्शन। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, जिसका भी डाउट है देखें ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डाउट आप लोगों ने जिन जिन क्वेश्चन में पूछे हैं सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, और उनको ध्यान से देख लीजिए। ये आपकी क्लास बेटा वैसे ही चलेगी एज इट इज, जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन, सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स में लिख के भेज दिया, आपको डिस्कस कर दिया गया। मीन्स आपको क्लास वाली रीडिंग आइडिया है, दिस रेगुलर आप जब रहेंगे ध्यान रखिए, एक दो क्लास से बहुत ज्यादा चीजों का आइडिया मत पकड़िए, ये समझ लीजिए। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के ओवर होते हैं वो बहुत कायदे से गिने जाते हैं, फिर उसके बाद स्कोर जो है वो बाद में बनाया जाता है। तो आप वीडियो को वन बाय वन करके देखते रहिए, मजा पूरा आएगा, गारंटी नहीं पैसे नहीं वापस होते, पैसे नहीं वापस होते। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 24 1 सेकेंड में चाहिए, तो
एक सेकंड में थ्री रेपिटेशन, एक रेपिटेशन में टू पाई रेडियन का एंगल, तो थ्री रेपिटेशन में सिक्स पाई रेडियन का एंगल। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 25। अच्छा क्वेश्चन है, द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 324,000 किलोमीटर एंड इट्स डिस्टेंस सब्टेन एन एंगल ऑफ 28 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर द डायमीटर ऑफ अ मून इज। अच्छा, इस क्वेश्चन की भी एक बड़ी खास बात है, क्या है ये हम लोग देखेंगे। जो ऑब्जर्वर है ये पृथ्वी पे है और ऑब्जर्व क्या कर रहा है, 28 मिनट एंगल से ऑब्जर्व कर रहा है, डिस्टेंस 324,000 किलोमीटर है, किलोमीटर में ही है, किलोमीटर है। द डायमीटर ऑफ द मून इज, डायमीटर का मतलब आर्क लेंथ। क्या पूछा गया है आपसे? आर्क लेंथ पूछा गया है। अब अच्छा एक चीज बताइए, लड़का सोचता है कि इसमें पूछा डायमीटर में आए, निकाह आर्क लेंथ रहे हैं। एक तो देखो मोटे तौर पे आपको पता है कि अगर हम देखें तो चैप्टर किसका पढ़ रहे हैं, उसमें तीन चीजें होती हैं, एंगल होता है, आर्क होती है, आर्क लेंथ होती है, रेडियस होती है। अब यहाँ पे दो चीजें दी गई, चीज भी पूछी गई, क्या पूछा जाएगा आपको? अगर किसी को डाउट होता है कि डायमीटर पूछा गया है, निकाल आर्क लेंथ रहे, तो आपको बता दें बेटा कि अगर आप 324,000 किलोमीटर पृथ्वी से अगर 324,000 किलोमीटर दूर देखेंगे तो आपको डायमीटर और आर्क लेंथ एक पॉइंट के तरीके ही दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो आर्क लेंथ है कि डायमीटर है। तो इसलिए हम लोग आर्क लेंथ फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, थीटा इक्वल टू हो गया आपका आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से बेटा हम लोग निकालेंगे आर्क इक्वल टू थीटा, थीटा मतलब 28 मिनट, मिनट को पहले बनाया आपने डिग्री में, इससे डिवाइड करके 60 से, डिग्री को फिर किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180। ठीक है बेटा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 इंटू रेडियस 324,000। अब हम लोग पाई की वैल्यू भी 22/7 रख देंगे। क्यों रख देंगे बेटा? क्योंकि आपके चार ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो पाई के फॉर्म में नहीं है। 7 4 28 60, ये आपने दो जीरो काट दिए, 18 से काट दिया, 18 1 18 और 18 14 32 44, 18 8 144, हाँ, और 6 3 18, 3 4 12 12 2 24 24 और 24 2 26, 1 0 आपका ये हो जाता, 2640 किलोमीटर। दिस वन योर आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? आपका 2640 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 2640 फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरीके